वेलकम बैक फ्रेंड्स माय चैनल फेयर एंड केयर टिप्स। दोस्तों आज मैं आपके हेल्थ से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूं, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफ में लोग अपने खान पान का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम उन दोस्तों को बताएंगे कि वे अपने बिजी लाइफ में अपने खाने पीने में कौन कौन सी ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है। नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि ये बहुत से फायदे देता है। हो सकता है नियमित व्यायाम करने वालों ने उन दावों के बारे में सुना होगा कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाकर पानी पीना सादा पानी के मुकाबले बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाजार का प्रचार है या कुछ हकीकत भी है? इस सिलसिले में जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स है जिसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और क्लोराइड शामिल है और शरीर के पानी अवशोषित करने और मसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये जानने के लिए कि वास्तव में ये कितने महत्वपूर्ण है, शोधकर्ताओं ने 10 पुरुषों का परीक्षण किया। ये सभी गर्म कमरे में ट्रेडमिल पर 2 अलग अलग सेशन में करीब 1 घंटे व्यायाम करते रहे। सभी प्रतिभागियों के शरीर का वजन पसीने के करीब 2% कम हो गया और उनकी भरपाई सादा पानी से एक सेशन के बाद और एक सेशन के दौरान की गई और फिर दूसरे सेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिले पानी से। इलेक्ट्रोलाइट पीने से मांसपेशियों के ऐंठन का व्यायाम के दौरान और व्यायाम के बाद स्पष्ट अंतर दिखा। जब उन्होंने सादा पानी पिया सभी प्रतिभागियों को बहुत ज़्यादा ऐंठन के अनुभव की संभावना देखी गई। बहुत सारे लोग व्यायाम करते वक्त ज़्यादा पानी पीते हैं। उनका मानना है कि डिहाइड्रेशन की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता कहते हैं कि वास्तव में एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद ऐंठन का ज़्यादा खतरा हो सकता है। सादा पानी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के जमाव को पतला करता है, जिसका मतलब हुआ कि ये पसीने के दौरान हुई कमी को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट शरीर की ज़्यादा प्रभावी तरीके से पानी के अवशोषण में मदद करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि आप सचमुच ज़्यादा हाइड्रेटेड सादा पानी पीने की तुलना में हो सकते हैं। अन्य अच्छा पहलू ये है कि इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निवेश नहीं लगता। आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को समुद्री नमक या हिमालयन साल्ट कच्चा शहद के साथ खुद से तैयार कर सकते हैं।